हेलो दोस्तों, ये साइट है, आप देखिए इसे विल्ला। इस विल्ला में प्लम्बिंग का जो सबसे पहला काम स्लीप डालना होता है, क्योंकि अब यहाँ कंक्रीट होगा। ये सर देखिए, सेटरिंग का काम पूरा हो चुका है, तो इसमें स्लीप डालना है। स्लीप कैसे डाला जाएगा, कब, इसका वीडियो बना रहा हूँ आज। फिर इस विल्ला में जब हम लोग ड्रेनेज का काम करेंगे, तब उसका भी आप वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये विल्ला है और इसका ड्राइंग भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इस साइड से शुरुआत करता हूँ। इसके बाद ना यहाँ पे मेन होल आएगा, फिर उसके बाद कुछ और भी रूम बनेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो उसका भी पाइप का कनेक्शन इस मेन होल में होगा। तो फिलहाल अभी देखिए, ये जो बीम है, ठीक है, इस बीम से ये जो दिख रहा है, यहाँ पे फ्यूचर में बाथरूम आएगा, ठीक है। तब इस बाथरूम के लिए पाइप हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमने देखिए, एक स्लीप इधर है, एक दो, फिर एक इधर तीन, फिर एक चार, पाँच और छः स्लीप। इसमें क्या है, मान लीजिए ये जो है ना बाथरूम, वो WC के लिए रहेगा, स्लीप है, ठीक है। और ये लेबल है, देखिए ये जो है, इससे 3 सेंटी डाउन जीरो लेबल है। अब उस जीरो लेबल से हर स्लीव का ड्राइंग में इनर्ट लेबल, IL लेबल के हिसाब से हमने, यहाँ से मान लो किसी का 15 है, तो यहाँ 3 नीचे गए तो ऊपर आए तो 12 सेंटी, यानी यहाँ पे हमारा पाइप का जो बॉटम है वो 12 सेंटी पे है, ठीक है। तो इस तरीके से सबका मेजरमेंट कर करके जीरो लेवल से सारा स्लीप डाला गया है। तो ये WC के लिए है, फिर वाश बेसिन का, फिर ये जो दो पाइप दिख रहा है, हाँ इधर वाश बेसिन का भी पाइप है। तो ये 6 इंच का स्लीप है WC का, WC माने 110 mm, या 4 इंच आप बोल सकते हैं, 4 इंच का पाइप WC के लिए हम लोग यूज करते हैं। इधर ये जो दो पाइप दिख रहा है, स्लीप जो दिख रहा है, ये 6 इंच का है। और ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक शाफ्ट बनेगा, ठीक। शाफ्ट माने ब्लॉक से यहाँ पे खाली एरिया रहेगा, और यहाँ से पाइप उठेगा सीधे फर्स्ट फ्लोर से आके इसमें गिरेगा और ये बाहर निकल जाएगा पाइप। तो ये हाई प्रेशर के लिए हो गया स्लीप, फिर एक WC के लिए, एक वाश बेसिन के लिए, यहाँ पे जो बाथरूम आएगा उसके लिए, क्योंकि एक फ्लो ट्रैप से आएगा, एक डायरेक्ट WC का कनेक्शन एक पाइप से हो गया, ठीक है। दो पाइप उसके लिए हो गए, दो पाइप हाई प्रेशर ऊपर के लिए हो गया, और एक पाइप वेंट पाइप के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक रेन वाटर पाइप का स्लीव हो गया। तो यहाँ पे इतने पाइप हैं, ठीक है। तो ये स्लीव इधर डाला गया है, और देखिए स्लीव का जो ड्राइंग है वो भी है, आप बोलिएगा तो आपको टेलीग्राम पर मैं दूंगा, ठीक है। इस साइड अभी कोई स्लीव नहीं है, आइए। सबसे मतलब जीरो, सबसे पहला काम विल्ला में क्या है, स्लीप डालना, क्योंकि फ्यूचर में हम उसी स्लीप का यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सब कंक्रीट हो जाएगा, इसलिए इसको ऊपर निकाल के छोड़ा गया है, और ये बाहर ऐसे, ये स्लीप ये रेन वाटर के लिए यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए फिर अब देखिए, इस लाइन में आपको दिखा एक 4 इंच का पाइप है, 4 इंच का स्लीव हम डाले हैं। यहाँ से एक पाइप सीधे जाएगा, वो सामने है ना जो बीम, उस बीम के पास में बाथरूम बनेगा, ठीक है। तो वहाँ से फ्लो ट्रैप जो वाश बेसिन का पानी होगा, 4 इंच के स्लीव के रास्ते जाएगा। यहाँ पे हम 82 mm, हाँ 82 का माने 3 इंच का पाइप हम यूज करते हैं वाश बेसिन के लिए, यानी फ्लो ड्रेन के लिए, ठीक है। अब आइए दिखाते हैं, और एक स्लीव यहाँ डाला हूँ, ये 4 इंच का पाइप है, 4 इंच का स्लीव है। तो इससे ना वेंट पाइप जाएगा, वेंट पाइप का कनेक्शन वहाँ पे उस कॉर्नर पे, एक और WC वाश बेसिन सब आएगा। तो WC का कनेक्शन हम जब करेंगे तो वहीं पे एक वेंट पाइप निकालेंगे टी लगा के, वो सीधे आएगा इधर, फिर ये जाके मेन होल में मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपको यहाँ दो पाइप और उस साइड दो पाइप दिख रहा होगा, दिख रहा दो पाइप, ठीक। ये जो दो पाइप है 6 इंच का स्लीव है, और वो 4 इंच का स्लीव है। ये एक WC के लिए यूज होगा,
हाँ, इसका इनर्ट लेवल कुछ और है, इसका इनर्ट लेवल कुछ और है। तो एक ग्राउंड फ्लोर के लिए स्लिप ए डब्ल्यू सी बन के आएगा, वहाँ जो बाथरूम है वहाँ डब्ल्यू सी लगेगा, तो उसका कनेक्शन सीधे इस पाइप से हो जाएगा। फिर ये जो पाइप है ये आगे जाके फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा, यानी हाई प्रेशर का पाइप बन के ये आएगा डब्ल्यू सी के लिए। अब ये जो दो दिखा, ये देखिए 4 इंच का पाइप है, 4 इंच का पाइप, एक चला जाएगा वाश बेसिन के लिए ग्राउंड फ्लोर पे, और एक हाई प्रेशर यानी फर्स्ट फ्लोर से जो वाश बेसिन का कनेक्शन होगा वो इस रास्ते जाएगा। आने वाले समय में इसी सब स्लीव का यूज करके हम लोग ड्रेनेज का काम करेंगे, तो वो जब मैं करूँगा ना तो आपको और आइडिया लगेगा। इसलिए सबसे पहला वीडियो समझिए, विल्ला का शुरुआत जो होता है सबसे पहला काम स्लीव डालना प्लम्बिंग के लिए। यहाँ देखिए एक स्लीव और दो स्लीव, एक स्लीव ये जस्ट यहीं पर डब्ल्यू सी आएगा, तो उसका कनेक्शन इससे हो गया। फिर यहाँ से हम एक टी लगाकर वेंट पाइप का कनेक्शन करना है, तो वेंट पाइप के लिए एक स्लीव यहाँ डाल दिए, ठीक है। जो दूसरा पाइप दिख रहा है ना, यहीं बगल में एक शाफ्ट रहेगा, उस शाफ्ट से जाके हाई प्रेशर का पाइप यानी फर्स्ट फ्लोर के लिए चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर से जितना भी डब्ल्यू सी मतलब डब्ल्यू सी होगा उसका कनेक्शन वहाँ से ऊपर से आएगा, फिर वो अगला एक स्लीव का यूज कर लेगा, उस रास्ते निकल जाएगा, और एक स्लीव जो था वहीं डब्ल्यू सी बैठेगा। अब ये देखिए ऐसे उधर डाल दिया है 2-3 पाइप, फिर इधर कितना है 2 पाइप, एक ये दोनों 4 इंच के हैं, ये ऐसे सीधे जाएगा और जो शाफ्ट है ऊपर चला जाएगा। किस लिए यूज होगा, तो वाश बेसिन के लिए होगा, फ्लो ट्रैप का यूज, पानी इसमें आएगा, ठीक है। दूसरा ये देखिए, ये जो दूसरा पाइप है ये भी 4 इंच का है, ये सीधे ऐसे जाएगा और फ्यूचर में वहाँ पे एक फ्लो ड्रेन वाश बेसिन जो भी होगा वहाँ पे एक बाथरूम रहेगा, तो वहाँ का कनेक्शन के लिए वहाँ पे 2 वाश बेसिन आए बैठेगा, तो उसका जो पानी होगा वेस्ट पाइप ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये 2 पाइप ऐसे हमने यूज किया है। तो ये रहा इस पूरे बिल्ले में, एक बाथरूम आपको इधर दिखा, डब्ल्यू सी इधर बैठा, शाफ्ट इधर है, फिर इस इधर इधर आएंगे तो उस कॉर्नर पर एक बाथरूम और बैठेगा, ठीक है, फिर एक बाथरूम उस कॉर्नर में, इधर हो गए उधर 1, 2, 3, फिर चलिए ऐसे ही थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम दीजिए। तो रहा ये जहाँ हमने कई स्लीप डाले हुए हैं, ठीक है, देखा, तो यहाँ पे एक बाथरूम होगा, ठीक है, और बाकी यहीं पे मतलब इसके बीच में ना यहाँ पे एक शाफ्ट आएगा, शाफ्ट से ऊपर के जो भी हाई प्रेशर का पाइप होगा वो आके ऐसे बाहर निकलेगा, और जो बाकी कुछ पाइप आगे जाएंगे बाथरूम से। तो ये रहा इसका कनेक्शन, और फ्यूचर में जब इसका ड्रेनेज का काम करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बातें पसंद आई होंगी। और हाँ, दूसरी बात, ये स्लीप जो भी होगा ना उसका इनर्ट लेवल जरूर ड्राइंग में मेंशन होता है कि 0 लेवल से 15 सेंटी ऊपर है, 20 सेंटी ऊपर है, कितना है, तो 0 लेवल से हम लोग मार्किंग करते हैं और पाइप का जो बॉटम होता है उसको उतने लेवल पर रख के स्लीव हम डाल देते हैं, क्योंकि आगे चल के लेवल क्यों देखना है, क्योंकि हमें पाइप का स्लोप बनाना है, आगे हम लोग स्लोप पे काम करेंगे ना, क्योंकि स्लोप रखना पड़ता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा।